एसएमसी स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन प्रस्तुत करता है अपने पॉडकास्ट का पहला अध्याय रोगनजोश। बारह जुलाई 1972 के रात की बात है, एक ऐसी रात जब बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, मानो इंद्रदेव का कहर फूट फूट के बरस रहा हो। वो बारिश की बूंदें, उस रात का सन्नाटा, मानो कोई शैतानी साया का संकेत था। भौमिकदा कोलकाता से बीरभूम का सफर अपनी गाड़ी में तय कर रहे थे। बीरभूम में उनकी अपनी फैक्ट्री थी, जहां अचानक कर्मचारियों के बीच में दंगा हो गया था और उन्हें जल्दी से जल्दी 150 मील का रास्ता पूरा करना था। रात के 11 बज रहे थे। मूसलाधार वर्षा की वजह से उनके आंखों के सामने भारी कुहासा छा गया था और सामने का रास्ता दिख नहीं रहा था। इन हालातों में गाड़ी चलाना भौमिकदा के लिए असंभव सा हो गया था और उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी। उसी वक्त तूफान में लहराती खेतों के उस पार घने कुहासे को भेदती हुई उनकी नज़र एक छोटी सी कुटिया पर पड़ी। उस कुटिया में जलती हुई लालटेन को देखकर उन्हें लगा कि शायद वहां वो उस रात ठहर सकते हों। कुटिया का दरवाजा धीरे धीरे खुला। लंबे घुंघराले बालों वाला एक अंधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सालों से नहीं सोया हो। उसके आंखों के नीचे की झुर्रियां भौमिकदा के हाथों के लकीरों के समान थी, और शायद यही वो आंखें थी जो भौमिकदा के लकीरों को पूरी तरह से मोड़ देने वाली थी। उस आदमी ने धीरे से हंसते हुए कहा, आइए आइए, अंदर आइए। इस कमबख्त बारिश ने तो आपको पूरी तरह से भिगा दिया है। वैसे आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं, हमने तवे पे रोगन जोश चढ़ाया ही है। धन्यवाद, पर ये अजीब सी दुर्गंध कैसी? क्या सुगंध और क्या दुर्गंध! जिस मांस को सूंग शेर दौड़ा चलाता है, उसी मांस की गंध को ब्राह्मण दुर्गंध कहता है। क्या, मैं कुछ समझा नहीं। कुछ नहीं, इतनी बारिश में खेत सड़ गई है। आप ये सब बात छोड़िए और बताइए, रोगन जोश कैसी बनी है? भौमिकदा ने रोगन जोश चखते ही कहा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, पर कुछ अलग है। आपने इसमें क्या डाला है? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस कला का राज तो आपको इस कलाकार को पहचानने के बाद ही पता चलेगा। इतनी जल्दी भी क्या है? आप क्या कवि हैं? क्योंकि आपकी कोई बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है। क्या हर बात समझना जरूरी है? आप थके हुए लग रहे हैं, आप जाइए उस कमरे में आराम कर लीजिए, मुझे अपने कल के नाश्ते की तैयारी भी करनी है। भौमिकदा के मन में तूफान सा मचा हुआ था। इस आदमी की बात उन्हें कुछ अटपटी सी लग रही थी, मगर उनका शरीर टूट सा गया था और उनमें इस बारिश को सामना करने की ताकत नहीं थी। भौमिकदा ने तय किया कि वो सूरज की पहली किरण के साथ ही अपना सफर फिर से आरंभ करेंगे। हे भगवान, ये बदबू मुझे सोने नहीं देगी। यही सोचते सोचते उनकी आंखें लग गई। ये भयानक गीत सुन भौमिकदा की आंखें खुली और डर की वजह से उनका शरीर ठंडा पड़ गया। धीरे धीरे वो इस आवाज की ओर बढ़ने लगे।
नहीं बनाता। मैं ही खिलाता, जाओ खिलाओ रोगनजोश। रसोई घर में पहुंचकर उन्होंने जो देखा वो मात्र लफ्जों में बयां करना मेरे लिए असंभव है। उनके रोंगटे खड़े हो गए और इस भयावनी चित्र को देखकर वो सियर उठे। कुछ पल के लिए उनकी आंखों के सामने पर्दा सा छा गया और सिर हल्का लगने लगा। उनकी सांसें तेज हो गई और दिल बैठ सा गया था जब उन्होंने देखा कि वो आदमी जिसे वो कवि समझ रहे थे वो एक मरे हुए लाश को बड़ी बेरहमी के साथ चबा रहा था। उसके होठ रक्त से लाल थे और इसी आंखों की लाली उसके होठों पे लगे हुए रक्त की समान थी और उसके दांत उस लाश के टांग में गड़ी हुई थी। रुको रुको रोगन जोश, बाकी आओ खिलाओ रोगन जोश। अगले दिन सुबह जब उनकी आंखें खुली वो अपने बीरभूम के घर पे थे और उनके सामने दो पुलिस ऑफिसर खड़े थे। उनको ये सब मानो सपना सा लग रहा था और तभी उनके शक को गलत साबित करते हुए ऑफिसर ने उन्हें असलियत से परिचित करवाते हुए कहा, नमस्कार, हम इंस्पेक्टर रॉय। बहुत खुशनसीब हो आप कि उस जानवर के पंजे से बच निकले। जिस कुटिया में आप थे ना, वहाँ से 2 मील दूरी एक पागलखाना है। उस पागलखाने से वो मरीज भाग निकला। वो मरीज उस कुटिया के मालिक को बेरहमी से मारकर ना उधर ही रह रहा था, क्योंकि वो मरीज एक आदमखोर था। हत्या के बाद वो मालिक की लाश को चीर कर खाने लगा। वहाँ से 5 मील दूर ही हमें आपकी गाड़ी पाई और जांच पड़ताल के बाद हम उस आदमखोर तक भी पहुँच गए। अब आप आराम करें और इस दुर्घटना को अपने तक ही सीमित रखें। नमस्कार, अब हम चलते हैं। सच्चाई को जानना और सच्चाई को अपनाना दो बिल्कुल अलग कार्य है। उस रात वो अपने कमरे में सोने तो गए पर पिछले रात का हादसा उनके दिल और दिमाग में बैठ सा गया था और तभी दरवाजे के बाहर से उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई दी। इन आवाजों को सुनकर वो धीरे धीरे सहमे हुए बड़ी आराम से अपने दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। रोगनजोश इस कहानी के निर्देशक और लेखक हैं रचित दारुका और रोहितेंद्र चैटर्जी। वॉइस आर्टिस्ट्स वैस सिद्दीकी, अंशुमन राय, ओमकार गोवेकर और रचित दारुका। साउंड रिकॉर्डिस्ट निखिल गोखले, साउंड एडिटर आदित्य ठक्कर। हम मिस लाइली दत्ता और मिस्टर भास्कर रॉय को तहे दिल से अपना शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।